बंगस के रास्ते में हमें एक खूबसूरत तालाब मिला जिसका व्यू आप ये देख सकते हैं। देख लीजिए, काफ़ी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। इस नेचुरल ब्यूटी को देखने के बाद हमने अपना सफ़र स्टार्ट ही किया था कि हमें पहली हर्डल का सामना करना पड़ा। हमारे रास्ते में वुडन लॉक्स पड़ी हुई थी, बट हम सब ने मिल के इसको साइड किया और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। और एक ख़ास इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए जो बंगस विज़िट करना चाहते हैं, जब भी बंगस विज़िट करें गाड़ी वो लाएँ जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ गाड़ी नीचे लगने का खतरा है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हमें अपनी गाड़ी आधे रास्ते में छोड़नी पड़ी, बट बाय चांस हमें एक सुमो मिल गई और अपना सफ़र हमने कंटिन्यू किया। फाइनली हम वहाँ तक पहुँच आए जहाँ तक हमारी गाड़ी आ सकती थी। इसके बाद हमें ट्रैकिंग करनी थी। हम जा रहे हैं जाकिर भाई, आज ट्रैकिंग पे हमारा ये भाई। ये पूरा जो ग्रुप है ये जा रहा बंगस करनी है हम सब ने। अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है। ये बंगस का रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है। अप्रॉक्सीमेटली 1-2 किलोमीटर चढ़ाई है, वो भी स्ट्रिप जो भी आप देख रहे हैं वीडियो में। ये जो मैं आपको चढ़ाई बता रहा था कि खड़ी चढ़ाई है, आपको वीडियो में ऐसा दिखेगा नहीं, बट ये बहुत ही बड़ी बुरी हालत हो रही है यहाँ पे। वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स बंगस। मेरी बस हो गई यहीं पे, कहने पे तो मैं कह रहा था मैं ऊपर जाऊँगा, ये मेरी बैटरी यहीं डेड हो रही है। बस हो गई आपकी? ये बंगस वाली का नज़ारा, बंगस तो दूर अभी चढ़ाई में, देखते हैं कहाँ से पोता घूमते हैं। अब बोला भी नज़ारा थक के, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स बंगस। ये नीचे ही वहाँ तक रोड आई थी, जो नीचे रोड दिख रही है वहाँ तक हमारी रोड गाड़ी, उसके बाद हम बंगस में पहुँचे। हम जैसा कहा जाता था कि बंगस बहुत खूबसूरत है, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत वैली है। और अभी हालत ख़राब हो रही है हमारी चढ़ चढ़ के, अब देखते हैं आगे कहाँ पहुँचना। इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँचे, मुझे लगा था कि कुछ नॉर्मल ही होगा, लेकिन इट्स अमेजिंग, नेचुरल है, प्लान है। ये है छोटा बंगस, देख लीजिए इसका व्यू। छोटा बंगस इसका व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। ये देख लीजिए, और वो ऊपर टॉप में आर्मी की पोस्ट है, वहाँ से हम इंटरव्यू हुए थे, वहाँ पर हमने रजिस्टर करवाया कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। और हमारे पास था जो हमें नीचे एक कैंप से लेना पड़ा। आपके पास पास होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इंटर नहीं होने देते, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉर्डर की साइड इलाका है तभी। तो शो करता हूँ, ये यहाँ से ये जो रास्ता दिख रहा है और वो कैंप दिख रहा है, वहाँ से हम इंटर हुए। और ये वैली हमने अभी इतना डिस्टेंस कवर किया है, इस साइड भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, आप देख लें। बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये हमारे साथ कर रही है। छोटा बंगस जो है वो कवर किया है, अब हम जा रहे हैं बड़े बंगस पे, ठीक है। जो वहाँ का मैदान है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है इसमें। वो
ये है बड़ा बंगस जिसको पहले बोल रहे थे छोटा, वो तो मुझे काफी बड़ा लग रहा था, ये बहुत ही बड़ा है। वाह, अब हम वापस निकल रहे हैं हमारी ये पंगस वैली के, फंगस वैली जो भी है, बंगस वैली। हाँ, अब ऑलमोस्ट सभी निकल चुके हैं यहाँ से। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो नाइट स्टे के लिए आए हैं, इनको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ ये, और ये नाइट स्टे करेंगे यहाँ पे और कैंपिंग करेंगे। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी निकल रहे हैं, और बकरवाल जो हैं वो भी अपने जानवर खेत के अपने आशियाने की तरफ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, बंगस का रास्ता इतना आसान भी नहीं है, जैस हमें भी लग रहा था कि वापसी पे बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जाते वक्त हमें काफ़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ा और हमें लगा कि वापसी पे उतराई में हमें आसानी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वापसी पे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे हम बड़ी मुश्किल से हम उतर पा रहे हैं नीचे। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, बंगस वैली मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, बट एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि हम जो थे हम